गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी फिश फ्राई, जो कि बहुत सिंपल है बनाने में और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये एक कलर का मिर्च है, मतलब जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है वो है, और 1 चम्मच हम हमारा जो तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर होता है वो डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, उसके साथ ही में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच यहाँ पे मैं मीट मसाला डाल रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी दूसरा मसाला भी यूज कर सकते हैं इसके जगह पे, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 नींबू, 1 नींबू का रस डाल देंगे हम इसमें, डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मसाले में हमारे फिश के पीसेस डाल देंगे जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हमें इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी फिश अच्छे से मैरिनेट हो गई है। मैंने इसे आधा घंटा रख दिया था, अब ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसका कोटिंग बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच चावल का आटा, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सूजी, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, और थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो कोटिंग है उसको अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। मैंने पैन में करीबन 2 चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। पीस है उसको हम इस कोटिंग में अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस करके लगा लेंगे ताकि सारे साइड्स को अच्छे तरीके से ये लग जाए, और जो एक्स्ट्रा होगा हम उसको डस्ट कर लेंगे बाद में कुछ इस तरीके से। अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए पूरा कोटिंग, इसे थोड़ा प्रेस करके लगा सकते हैं। और अब हम इसको गरम तेल में शैलो फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा परतना है, कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए। हम इसमें डालने वाले हैं नमक, उसके साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, और ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिश रेडी है, उसके ऊपर हम इस मसाले को स्प्रिंकल कर देंगे जो कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ाएगा, और ये हमारी फिश खाने के लिए रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।